अमीना खान के पापा हो गए हैं काफी ज्यादा परेशान, और परेशानी की वजह जानते हैं कौन है? आप सब हीना फैंस। असल में हीना खान रहती हैं 47th फ्लोर पर, और आज ईद है तो वही फैंस के तोहफे तो हीना तक पहुंचने ही थे। फिर क्या था, हीना के पार्सल्स लेने जाना पड़ता है हीना के डैडी को, और आगे की बात आप उन्हीं की ही जुबानी सुनिए। अभी आप इंस्टा पर एक मैसेज करूंगी कि मैं इंडिया से बाहर जा रही हूँ, आई हैव गॉन टू स्टे इन आइसलैंड, वेरी सून आई विल अपडेट माय आइसलैंड एड्रेस एंड इन फ्यूचर सेंड अ मैसेज फॉर आइसलैंड। अभी यहाँ पे इस एड्रेस पे कोई नहीं रहता है, मैं ये घर बंद कर दिया मैंने, अब इस घर में अगर आपको कुछ लाया तो देयर विल बी नो मनी टू रिसीव दैट। And why is that? I don't call for it, Dad. Most of the stuff comes on its own. I don't call for it. There are 20 parcels coming in a day, and we live on 47th floor. ऊपर नीचे करते करते हम लोग exhaust हो गए हैं। तो आप किस सीढ़ियों से जाते हो? लिफ्ट से भी जाने में तो टाइम लगता है इस टाइम पैंडेमिक के टाइम पे। We are not tired. और अब जगह भी नहीं घर में रखने के लिए। Please आप बड़े बड़े बॉक्स आ रहे हैं तो प्लीज यू गिवन अप या यू टेल देम नॉट टू सेंड, टेल देम दैट यू हैव लेफ्ट इंडिया, गॉन एंड गॉन। सुन लिया, हीना खान मुंबई में रहती ही नहीं है। वाह डैडी कूल वाह। लेकिन आप फैंस को जानते नहीं हैं, वो आइसलैंड भी पहुंच जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क।